हम सभी भक्तों को जय माता की फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी जो है मंत्र जाप करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि हमारे मंत्र का जाप का फल हमें पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा कोई नया नियम हम करें या क्या ऐसा उपाय करें जिससे हमारे मंत्र का पूरा फल जो है हम स्वयं ही लें। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि आपकी पूजा का फल जो है आपके प्रेत भी ले जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको ही ये फल मिलने वाला है। अंत तक बने रहिए। अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। मंत्र में शक्ति होती है और वो शक्ति की कृपा हमें प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूरी होती हैं जो हमें मंत्र के दौरान अपने जीवन में रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मंत्र का जाप करें, किसी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, उस शक्ति को बुला रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो शक्ति की कृपा हमें प्राप्त हो, तो उसके दौरान हमें कुछ ऐसी बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे शक्ति प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा प्रदान करे। वो कृपा जो दिखाई नहीं देती है किसी को, क्योंकि मंत्र जाप जब आप करते हो तब आपको उसकी शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन वो शक्ति महसूस जरूर होती है। वो शक्ति आपके शरीर पर एक ओरा चक्कर ऐसा बना देती है, एक ऐसा ओरा तैयार कर देती है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होगी जब अभद्र शक्तियों से आपकी रक्षा होगी। अब हमें मंत्र जाप हम जो करते हैं, जो पूजा पाठ हम करते हैं, उसका पूर्ण फल की इच्छा सभी की होती है कि इसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। और अगर वो फल हमें किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो उसके पीछे क्या कारण होता है और हमें ऐसे क्या कार्य करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, चाहे आप भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, या हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हो, या माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उस दौरान आपको कुछ ऐसी सामग्री अपने पास रखनी पड़ती है जिससे उस मंत्र का कहीं करोड़ गुना फल आपको प्राप्त हो जाए। वो सामग्री क्या है? जैसे कि आपने मंत्र का जाप किया, उसके दौरान आपको, अगर आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपको 1.25 किलो चने रखने चाहिए अपने पास। अपने पास चने और 1.25 किलो के करीब, और थोड़ा सा गुड़, ये अपने पास जरूर रखिए। अगर आप हनुमान जी के कोई भी मंत्र का जाप करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, किसी भी दौरान कर रहे हो आप, अब उस मंत्र का जाप आप कर रहे हो उस दौरान, एक हफ्ते के अंदर भी आप कर सकते हो, पर डे भी आपके कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से कर रहे हो। अब वो चने आप बंदरों में जाकर दान कीजिए। बंदर, जहां पर बंदरों का वास हो, जहां भी आपको बंदर मिलते हैं, लंगूर बंदर मिलते हैं, या जो भी बंदर आपको दिखते हैं, वहां पर आपको ये करना चाहिए। और हो सके तो केला भी ले सकते हो, मान लो हफ्ते के हफ्ते भी कर सकते हो, हफ्ते के मंगलवार को भी कर सकते हो, शनिवार को भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर बात होती है। कहा जाता है कि जब भगवान की शक्ति को हम बुलाने की कोशिश करते हैं तब हमारे इतना समर्थ नहीं है कि वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य पावर हमारे शरीर में वास कर सके, लेकिन हमें अपने शरीर को सभ्यवान बनाना पड़ता है, शरीर को साधना पड़ता है। साधना का जैसा भी नाम है, साधना, तो उस दौरान क्या होता है, हमें अपने शरीर को साधा जाता है, तप के दौरान, तपस्या के दौरान, मंत्र शक्तियों के दौरान और पूजा पाठ के दौरान, और जो भी हम किसी भी प्रकार का दान करते हैं उससे हमारे शरीर जो है तपता है। कहते हैं कि स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण, सोना, सोने की कहावत यह है कि सोने को जितना तपाओगे उतना सोना निखरता जाएगा। इसी प्रकार से जब मंत्र की शक्ति को हम उदय करते हैं तो हमारे शरीर की वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारी मानसिकता बदलने लग जाती है, हमारी सोच में परिवर्तन आता है, हम लोगों के कल्याणकारी सोच हमारी अंदर से बनने लग जाती है। जब इस प्रकार की सोच आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाती है, इस प्रकार की बातें जब आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है, तो इसमें यह संदेह मत रखना कि आपको मंत्र की शक्ति नहीं मिल रही है।
ये मंत्र की शक्ति की प्रबल कृपा ही है। जैसे मेरा एक और सवाल यहाँ पे है कि भाई आपने पहले बताया था कि हमारी पूजा का फल जो है प्रेत ले जाता है, क्या कोई मंत्र जाप का भी फल जो है हमारा प्रेत ना ले जाए, इसके लिए कोई उपाय बताइए कि क्या करना चाहिए? ऐसा होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र शक्ति को उदय करने के बाद तो प्रेत कभी नहीं ले सकता। ठीक है, मंत्रों में शक्ति तो होती है, लेकिन उससे पहले अपने शरीर को साधना, प्रेत क्या कर सकता है, आपको डिस्टरबेंस कर सकता है, आपको मानसिक तौर पर तोड़ने का प्रयास कर सकता है, आपको आप ताकि मंत्रों का जाप ना करो इस प्रकार से आपके ऊपर वजन डाल सकता है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी टॉर्चर कर उलझनों में सकता है, उलझ उलझने कर सकता है, कहीं से स्ट्रेस दे सकता है, पत्नी के द्वारा स्ट्रेस दे सकता है, ये हथियार प्रेत उठा सकता है आपके प्रति। लेकिन आपके मंत्र की शक्ति का फल जो है आप प्रेत नहीं, दोगे प्रेत नहीं। तो वो लेगा। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है, अगर प्रेत योगी मंत्र का जाप करता है तो प्रेत की शुद्धि जरूर होगी। देखिए क्या होता है कि जैसे आपने बोला ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, जैसे मैंने ये बोला ना हम, आप बोल के देखना हम, आपके ना वाइब्रेशन होएगी, आप बोल के देखो हम हाँ तो होंठों में होती होठों है। में वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन ही हमारे शरीर की ऊर्जा है। जब हम बोलते हैं ना मुख के द्वारा तो वो ऊर्जा परमात्मा तक पहुंचती है, जिससे हमारा ओरा चक्र क्रिएट हो जाता है, हमारे शरीर के तत्व बनने लग जाते हैं, एक के बाद 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 एक के बाद, वो तत्व जो है ऐसा, जैसे आपने देखा ना बुलेट प्रूफ जो गाड़ी होती है उस पर कितनी मर्जी गोलियां चलाओ तो उसका कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब जैसे जैसे हमारे तत्व मजबूत होते जाएंगे हमारा शरीर का ओरा उतना ही ताकतवर होगा और उतनी ही दूर तक मार करेगा। तो अगर आप मंत्र की शक्ति को छोटा मत समझिए, मंत्र के जाप से आप दिव्यवान हो जाओगे, और उसके बाद जितना भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो उतना दशांश हवन भी कीजिए। ये बात याद रखना, जब हम शक्ति का आह्वान तो कर लेते हैं लेकिन आह्वान के बाद उसका प्रतिपक भोजन उसको नहीं देते, उसको अर्क भोजन नहीं देते, उसका भोग प्रतिपक रूप से नहीं प्राप्त करवाते, तो वो शक्ति जो है पूर्ण रूप से हमारे शरीर पर नहीं वास करती है। इसीलिए हमारे मंत्रों की गणना आपने स्वयं करनी है, मंत्रों की गणना करने के बाद उसका ज्ञान भी आपने स्वयं प्राप्त करना है कि कितने मंत्र मैंने जाए, जैसे कि मंत्र 1,25,000, 1,25,000 के बाद तो मंत्र प्रभाव रूप में होता है, शावर मंत्र जो होता है 1,25,000 के बाद, 1,008 के बाद तो खाली खड़ा हो जाता खड़ा हो है, जाता चल समझ रहे। गए, और उसके बाद जो है 1,25,000 के बाद शावर मंत्र कार्य करता है। लेकिन जो बीज मंत्र होते हैं उनकी पावर कुछ अलग तरीके से होती है, जो शावर मंत्र है और बीज मंत्र है इनमें अंतर है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा विस्तार सही कि इसके बारे में आप कैसे जान और सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हवन के बारे में भी बताइए, तो हवन के लिए भी वीडियो बनाएंगे जरूर, क्योंकि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के दौरान हम कोशिश करेंगे कि हवन की वीडियो हाँ भी इस बने। चैनल पर जितनी भी आपको वीडियो मिलेंगी ज्ञान से बनी हुई मिलेंगी, ज्ञान ताकि आपकी चेतना जागृत हो सके, आप अपने आप को समझ सको, अपने परिवार अपने पितृ अपने कुल देवी को आप किसी भी प्रकार से भूल ना सको। और इस हनुमान जी चैनल के बारे में, पर हनुमान जी और ज्ञान से भरी हुई और माँ के प्यारे और बाबा के प्यारे ये दोनों चैनल ही हमारे हैं, इन दोनों को ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।